नगर निगम के प्रवर्तन दल द्वारा शुक्रवार को मोहद्दीपुर रोड स्थित कंकर शाह मजार के पास सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया, जिसके संबंध में प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सीबी सिंह ने कहा कि एयरपोर्ट से मोहद्दीपुर होते हुए गोरखनाथ मंदिर वीआईपी रोड के तहत चयनित किया गया है। इसके अलावा महानगर के 4 प्रमुख सड़कों को वीआईपी सड़क के रूप में चयनित किया गया है, जिस पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों का आदेश जारी हुआ है, जिसके तहत शुक्रवार को मोहद्दीपुर रोड पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया, जिससे आवागमन सुचारू रूप से संचालित हो सके। कर्नल सीपी सिंह ने कहा कि अवैध तरीके से किए गए अतिक्रमण को नहीं हटाने पर कुछ लोगों की दुकानों का चालान भी किया गया और कुछ सामान भी जब्त किए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने कहा, और नहीं होता होगा तो मैं जल्दी लेके जाऊँ, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल हटने के सामने हटा लो, हटा लो, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। बुला एक आदमी, उसको बुला के कोई नमाज एक को छोड़ेंगे, 10 हमें समय तो मेरे सब बराबर छोड़ लेंगे, उसका चलान करके भगा दो मेरे सामने से, बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए। नगर निगम की ये दैनिक कार्रवाई है, हम आए दिन हम लोग जो सड़क पे जितना भी जाम लगता है अतिक्रमण की वजह से, तो ये हम लोग का रोज का काम है। ये जो वीआईपी रूट है अपना मोहद्दीपुर वाला, ये मतलब गोरखनाथ मंदिर से लेके एयरपोर्ट तक, ये मेन वीआईपी रूट है, इस पे बहुत ट्रैफिक रहती है। यहाँ पे प्राइवेट बस स्टैंड वाले पूरा अपना पूरा रास्ता दोनों तरफ से जाम कर देते हैं, आम जनमानस वो बिल्कुल जाम में फंस जाता है। जो रही किसी कसर है वो ठेले वाले पूरा कर देते हैं। अब ठेले वाले पहले ठेले पे लगाते थे, अब इन्होंने टेबल लगा लिया, कुर्सी लगा लिया, अपना बैनर लगा लिया और बिल्कुल स्थायी रूप से यहाँ पे स्थापित हो गए, जिसकी वजह से शहर का पूरा जाम, इस इलाके का हमेशा जाम रहता है। आए दिन शिकायतें आती हैं कि बीमार आदमी से एम्बुलेंस कभी फंस गई, कभी पुलिस की वैन फंस गई, कभी कुछ के। डीएम साहब ने बिल्कुल क्लियर आदेश दिया था कि जो वीआईपी रूट है, ऐसे 4 रूट चिन्हित किए गए थे, एक गोरखनाथ मंदिर से लेकर एयरपोर्ट तक का, एक गोरखनाथ मंदिर से लेकर सर्किट हाउस और एक देवरिया बाईपास। तो आए दिन इस पर हम कार्रवाई करते हैं। अभी 10 दिन पहले मैंने कराया था, बिल्कुल 3-4 दिन तक ये बिल्कुल उसमें कुछ नहीं था, अचानक ये फिर से आ गए। अब किसने लगवाया, कैसे लगाया, वो जांच का विषय है।
मगर ये बिल्कुल सख्त आदेश है SSP साहब का भी, DM साहब का भी, नगर आयुक्त साहब का भी, और हम लोग उस पर कार्य करते हैं। बड़ी बड़ी मेहनत से, बड़ा मेहनत लगता है इनको इसको हटाने में। और उससे क्या, जो दैनिक रूप की जो सफाई है, हमारे साथ हमारी पूरी टीम है, हमारे सफाई इंस्पेक्टर हैं राम विजय पाल साहब हैं, हमारे जो अपने रेंट इंस्पेक्टर हैं राम सुशील जी हैं, हमारा जो मैट है सादुल्ला है, और प्लस मेरी पूरी टीम है नगर निगम की। हम लोग को इन लोग का रोज़ शिकायत थी, प्लस हमारे ट्रैक्टर ड्राइवर्स हैं, हमने आज सामान काफ़ी जब्त किया है। जब्त इसलिए किया कि पहले इनको हमने 6 बार चेतावनी दी है, कभी सामान नहीं जब्त किया, कभी कोई नुकसान नहीं किया, कभी कोई चलान नहीं किया कि अभी भी सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, ये सुधरने का नाम नहीं रहे। आज उसी कार्रवाई के तहत इनका सामान हमने जब्त किया है और इसको ले जाके भी नगर निगम में स्टोर में हम जमा करेंगे। करीब इसमें 28 कुर्सी हमने जमा की हैं, 2 उसकी वाटर टैंक्स हैं, 2 वाटर टैंक्स हैं, 4 ठेले हैं और और 2 टेबल्स हैं। तो ये इतनी चीज़ें हमने, 4 आदमी हैं जिनकी ये चीज़ें उन्होंने जब्त की है, इसको ले जाके भी हम जमा करेंगे, क्योंकि ये कहना मान ही नहीं देते। उससे क्या होता है कि शहर इतनी गंदगी, वैसे डेंगू का प्रकोप चल रहा है, मच्छर आए दिन यहाँ इधर उधर घूम रहे हैं, और ये तो बिल्कुल मेन रूट है जो कि अपनी शान है, मतलब हमारा VIP रूट है यहाँ पे। ये इससे अपने गोरखपुर को हम लोग संबोधन करते हैं, गोरखपुर बदल रहा है, मगर इनकी वजह से परेशानी है। और इनको हमने पूरे मौके दिए, एक मौके नहीं, कम से कम मतलब हमने वैसे करके 50 मौके दिए होंगे, 6 मौके तो पूरा साफ कराया, फिर ढक के 3 पात। तो ये गलत चीज़ है, आदमी को समझना चाहिए, अपना तुमने बिजनेस किया है, 1 पैसा टैक्स नहीं देना, गंदगी अलग कर देना, इसके बाद जो नगर निगम का कर्मचारी जाए उससे लड़ाई अलग कर लेना, दादागिरी अलग करना, ये गलत चीज़ है। और क्या कहेंगे बाकी जगह जो लगाए, बाकी जगह जितना इस रूट पे अतिक्रमण अभी बस स्टैंड का भी हुआ है उसको भी मैंने हटाया है। ऐसे हम लोग डेली कार्रवाई करेंगे, और नगर सबका बड़ा सख्त आदेश है कि VIP रूट पर, DM साहब का भी, SSP साहब का भी, उनको क्लियर है कि अतिक्रमण इनके, ये इनकी रोजी रोटी है, ये अपना जाए इनकी जगह चिन्हित है वहाँ जाके काम करें, हम ऐसा नहीं है। मगर ये जबरदस्ती करना, रोड को ब्लॉक करना, ट्रैफिक को, यातायात को बाधित करना, वो गलत चीज़ है।